हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और आज के इस वीडियो में हम जो है हमारी कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट का सीरीज का यूनिट थर्ड आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका पहला टॉपिक है हमारा एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स तो इस वीडियो के अंदर जो हम एक्सेस कंट्रोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप्स हैं टॉपिक्स हैं या जो भी डाउट्स होंगे उन सभी को जो हम क्लियर करेंगे तो एक्सेस कंट्रोल बेसिकली होता क्या है तो एक्सेस कंट्रोल जो है ये हमारी एक सिक्योरिटी टेक्निक है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी कंप्यूटिंग एनवायरमेंट के अंदर ये डिसाइड करती है कि जो भी हमारे रिसोर्सेस है कंप्यूटर के उन सभी के जो भी कंट्रोल्स है वो किसके पास हो सकते हैं और जिनके पास वो रिसोर्सिस हैं वो क्या क्या उस रिसोर्स के अंदर से हमारी फाइल्स को हमारे डेटा को व्यू कर सकते हैं सो बेसिक डेफिनेशन इसी कहती है एक्सेस कंट्रोल इज़ ए सिक्योरिटी टेक्निक दैट रेगुलेट्स हु और व्हाट कैन व्यू और यूज रिसोर्स इन ए कंप्यूटिंग एनवायरमेंट और वट बेसिकली कौन और क्या देख सकता है ये जो हमारा एक्सेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है किसी भी कम्प्यूटिंग एन्वायरमेंट के अंदर चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो या फिर वो आपके कम्प्यूटिंग एन्वायरमेंट में किसी नॉर्मल डिजिटल डिवाइस की बात हो तो ये जो है हमारा एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटी के अंदर जो कि जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनको जो है मिनिमाइज कर देता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सभी को जो है मिनिमाइज कर देता है तो अभी जो एक्सेस कंट्रोल की जो हमने बात की इसके कुछ टाइप होते हैं तो यहाँ पे जो है दो टाइप डिस्कस करने वाले हैं एक्सेस कंट्रोल के पहला आता है हमारा फिजिकल एंड सेकंड आता है इसके अंदर हमारा लॉजिकल टाइप ऑफ एक्सेस एक्सेस जो फिजिकल कंट्रोल होता है ये जो है हमारा लिमिट्स करता है एक्सेस टू कैंपस बिल्डिंग्स रूम्स एंड फिजिकल आई टी एसेट्स तो जहां पे भी फिजिकल आई टी एसेट्स की बात आएगी चाहे वो किसी एक बिजनेस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैंपस हो बिल्डिंग्स हो रूम्स हो या आई एसेट्स जैसे कि बिजनेस के या फिर कंपनी के सर्वर्स हो तो उन सभी को तो अगर एक्सेस करने की बात आएगी तो वहां पे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा तो ये सारी चीजें क्या है फिजिकली अवेलेबल है हमारे पास कैंपस बिल्डिंग रूम फिजिकल आईटी एसेट जैसे कि हमारे कंप्यूटर सर्वर जहां पे भी फिजिकल एक्सेस की बात आएगी वहां पे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल जो है वहां पे हमारा वर्क करेगा और इसी के अंदर एक सेकंड आता है हमारा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल जो कि लिमिट करता है कनेक्शंस को अब कनेक्शंस किस फॉर्म में हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की फॉर्म में हो सकते हैं सिस्टम फाइल्स की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर डेटा की फॉर्म में हो सकते हैं तो दो टाइप के एक्सेस कंट्रोल हम पढ़ेंगे पहला फिजिकल जो कि फिजिकल चीजें जितनी भी एनवायरमेंट में अवेलेबल है उन सभी को डिस्कस करेगा जैसे कि कैंपस या फिर बिल्डिंग्स के अंदर कौन कौन जो पर्सनस है कौन कौन यूजर्स है वो एंटर कर सकते हैं और हमारे डेटा के हमारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं दूसरा लॉजिकल कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो भी कनेक्शन है फाइल्स हैं, डेटा है उनको कौन एक्सेस कर सकता है तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमारा रिवॉल्व करेगा फिजिकल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के कॉन्सेप्ट के अंदर तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो भी होते हैं ये क्या परफॉर्म करते हैं हमारे लिए परफॉर्म करते हैं आइडेंटिफिकेशन कौन यूजर्स जो है हमारे सिस्टम की या फिर हमारे रिसोर्सिस को यूज करना चाहता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ यूजर्स कि बेसिकली जो भी पर्सन हमारे रिसोर्सिस को यूज कर रहा है क्या वो वेरीफाइड यूजर है क्या वो उस कंपनी का क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन का यूजर है ताकि जो हमारा डेटा है वो सेफ रहे और इन सभी के लिए जो है ये कुछ इवेल्यूएशन प्रोसेस यूज करते हैं जिसके अंदर हमारे आते हैं सबसे पहले लॉग इन अब लॉग इन के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट डिसाइडेड है जैसे कि कुछ पासवर्ड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे हम पिन नंबर भी बोलते हैं जो की यूजर्स यूज करते हैं टू एंटर इन ऑर्गेनाइजेशन और बायोमेट्रिक स्कैन सिक्योरिटी टोकन एंड अदर ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम परफॉर्म करता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ यूजर्स यहाँ पे जो ये प्रोसेस था ये था हमारा सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जहाँ पे सिंगल चीजें यूज होती है या तो पासवर्ड या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बायोमेट्रिक स्कैन या सिक्योरिटी टोकन अब इसी के अंदर एक प्रोसेस आता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स जो है हम यूज़ करते हैं जैसे कि आजकल गूगल ने जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस निकाल रखा है ताकि आपकी सिस्टम की आपके डिवाइस की सिक्योरिटी जो है मेंटेन रहे तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करती है जो कि दो या दो से ज़्यादा ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और ये जो पूरा प्रोसेस होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेयर्ड डिफेंस ऑफ प्रोटेक्ट का मतलब इसके अंदर जो है जहाँ पे हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे वहाँ पर हमारी जो डिफेंस की लेयर है वो मल्टी लेयर्ड हो जाएगी और हमारी सिक्योरिटी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल पॉलिसीज़ की तो अभी हमने दो टाइप के एक्सेस कंट्रोल डिस्कस किए थे फिजिकल एंड लॉजिकल बट अब जो टाइप टाइप है, है हम टाइप ऑफ एक्सेस करेंगे सिक्योरिटी मॉडल होता है जो कि एक्सेस राइट्स रेगुलेट होते रहते हैं सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी में वहां पे जो है मैक का प्रोसेस यूज होगा तो मैक के प्रोसेस में मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल की जो 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 पॉलिसी होती है है इसके अंदर अंदर किसी किसी भी अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के के कुछ सेंट्रल अथॉरिटी हैं या फिर यूज़र्स वही जो है किसी को एक्सेस कर सकते हैं अब ये जो एक्सेस कंट्रोल की पॉलिसी है ये ऑफनली यूज होती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एनहेंस लिनक्स अब ये जो सिक्योरिटी एनहेंस लिनक्स है लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैक की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल की पॉलिसीज़ के अंदर अब इसी के अंदर हमारा सेकेंड टाइप आता है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं डैक अब मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर क्या था कुछ ऑथोराइज सेंट्रल यूजर्स के पास ही जो है किसी रिसोर्स को एक्सेस करने के राइट्स होते थे परमिशंस होती थी बट डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर क्या होता है ये जो हमारा मेथड है ये जो हमारी पॉलिसी है इसके अंदर ओनर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ साथ कुछ ऑथराइज्ड यूज़र कुछ ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज भी जो है एज पर रिक्वायर्ड डिटेल्स एज पर द डेटा वो जो है हमारे इस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं अब हमारे डैक सिस्टम की एक जो है क्रिटिसिज्म है एक जो है लूप होल है एक जो है वल्नेबिलिटी है कि इसके अंदर जो है हमारा जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज नहीं रहता मैक के अंदर क्या था किसी एक पर्टिकुलर या फिर कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के पास ही जो है हमारा डेटा या फिर हमारे रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन होती है तो जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज रहता है बट डेक के अंदर डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर जो डेटा है जो हमारे रिसोर्स हैं उनको एक्सेस करने की परमिशन उनको एक्सेस करने के राइट्स जो है वो डिस्क्रीट हो जाते हैं मल्टीपल एम्प्लॉयज़ मल्टीपल यूजर्स के पास जो है वो हो जाते हैं थैंक यू